दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क सही से नहीं आता है और आपके फ़ोन का जो इंटरनेट है, नेटवर्क सही से नहीं आने की वजह से आपका जो इंटरनेट है वह स्लो चलता है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मोबाइल की चार ऐसे हिडन सेटिंग बताएंगे, जिस हिडन सेटिंग को अगर कर लेते हैं ना, तो अगर आपके फ़ोन का जो नेटवर्क है घर में कम पकड़ता है और बाहर निकलते ही फुल नेटवर्क पकड़ता है, तो आपका जो नेटवर्क है ना, इंडिया के किसी भी कोने में चल जाओगे ना, तो आपका जो नेटवर्क है फुल ही पकड़ेगा और आपका जो नेट है ना वह फास्ट चलेगा। क्योंकि जब हमारे फ़ोन में इंटरनेट का खुटी कम पकड़ता है तो हमारा इंटरनेट भी स्लो चलता है, चलता ही नहीं है। कभी कभी हम किसी को फ़ोन करते हैं तो फ़ोन लगता नहीं है और कोई हमें फ़ोन करता है तो फ़ोन नॉट रीचेबल बताता है या हमारा फ़ोन कवरेज एरिया से बाहर बताता है। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आज की इस वीडियो में मोबाइल के कुछ हिडन सेटिंग को बताऊंगा, उसको करने से यह प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करती हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों बताते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों को पहली सेटिंग करना है। पहली सेटिंग के लिए दोस्तों आप लोगों को अपने फ़ोन की जो मेन सेटिंग है उस मेन सेटिंग पर जाना है। आपके फ़ोन में अगर सिस्टम सेटिंग होगा तो इस तरीके से नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे सिस्टम सेटिंग होगा, इस पे जाना है और आपको यहाँ पर रिसेट ऑप्शन होगा, रिसेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको यहीं पर रिसेट वाईफाई, मोबाइल एंड ब्लूटूथ की सेटिंग होगी, अगर नहीं है तो डायरेक्टली कट कीजिएगा। सर्च सेटिंग होगा हर फोन में, इस सर्च सेटिंग पर जाना है। आपको यहाँ पर लिखना है रिसेट, आपको यहाँ पर लिखेंगे रिसेट तो आपको रिसेट ऑप्शन आएगा, इस रिसेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ रिसेट ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहीं पर रिसेट वाईफाई, मोबाइल एंड ब्लूटूथ की सेटिंग आएगी, इस पर क्लिक करना है, रिसेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल का जो भी स्क्रीन लॉक होगा वह आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर रिसेट सेटिंग आएगी, रिसेट सेटिंग पे क्लिक कर आपके नेटवर्क को रिसेट कर देना है। जैसे नेटवर्क को रिसेट करेंगे, नेटवर्क रिसेट हो जाएगी। उसके बाद आपको इस तरीके से पहली सेटिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद अब आप लोगों को दूसरी सेटिंग करनी है। दूसरी सेटिंग के लिए आप लोगों को अपने फ़ोन के डायलर पर जाना है। डायलर पर जाने के बाद में एक कोड डायल करना है, *#*#4636##, कोड डिस्प्ले पे शो हो रहा है, उस कोड को डायल कीजिएगा। फ़ोन इन्फॉर्मेशन की सेटिंग आएगी पहली वाली, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे बहुत सारी इंटरनेट की सेटिंग आएगी। सबसे नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पर SMSC नाम का एक सेटिंग होगी, यहीं पर एक बॉक्स होगा, यहाँ पर एक कोड जनरेट होगा। अगर कोड नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आपको अपडेट और रिफ्रेश का ऑप्शन है, सबसे पहले रिफ्रेश कीजिएगा। रिफ्रेश कीजिएगा, यहाँ पर एक कोड आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ अपडेट है, अपडेट कर दीजिएगा। अपडेट कीजिएगा, कोई नया वाला कोड आया होगा तो वह आ जाएगा, या इंटरनेट का सेटिंग का कोड है, इसको करने से आपका इंटरनेट जो है ना फुल खुटी पकड़ेगा और आपका इंटरनेट स्लो नहीं चलेगा। तो यह दूसरी सेटिंग थी जो आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर तीसरी सेटिंग करनी है। तीसरी सेटिंग के लिए आपको सेटिंग पे जाना है। इस तरीके से जब सेटिंग पे जाएं, आपके फ़ोन में नेटवर्क एंड इंटरनेट की सेटिंग होगी, इस पर क्लिक करना है। सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क की सेटिंग होगी, इस पर क्लिक करना है। जिस सिम से नेट चलाते हैं उस पर क्लिक करना है। आपके फ़ोन में इस तरीके से नीचे बढ़ेंगे, एक्सेस पॉइंट नेम की सेटिंग होगी, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर 3 डॉट होगा, या नीचे में आपका 3 डॉट होगा, उस पर आपको जहाँ भी होगा इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर रिसेट टू डिफ़ॉल्ट है, रिसेट कर देना है। रिसेट करने से होगा क्या कि आपके फ़ोन का जो नेटवर्क है वह रिसेट हो जाएगा। रिसेट होने के बाद में अब आप लोगों को देखिए, अभी भी यहाँ पर एक खुटी कम पकड़ रहा है। अब इसको फुल खुटी पकड़वाने के लिए अब आप लोगों को एक सेटिंग और करनी है। सेटिंग क्या करनी है, आपको अपने फ़ोन की जो सेटिंग है उस पर जाना है। जाने के बाद में आपके फ़ोन में अबाउट फ़ोन की सेटिंग होगी, जैसे मेरे फ़ोन में यहाँ अबाउट फ़ोन है, आपके फ़ोन में हो सके ऊपर होगी, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन की सेटिंग है, इस पर क्लिक करेंगे। बिल्ड नंबर होगा, यहाँ पे 7 बार इस तरीके से क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का स्क्रीन लॉक मांगेगा तो स्क्रीन लॉक दे देंगे। उसके बाद आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो इस डेवलपर ऑप्शन को कहाँ देखेंगे, इस तरीके से नीचे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको देखिए सिस्टम सेटिंग होगा, इस पर क्लिक करेंगे, नीचे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन दिखेगा। किसी किसी फ़ोन में एडिशनल सेटिंग के नीचे दिखता है, तो डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे,
करेंगे, इस तरीके से नीचे की ओर बढ़ते हुए जाएंगे, तब आपको यहीं पर एक मोस्ट सेटिंग आपको देखने को मिलेगा। उस सेटिंग को आप लोगों को कर लेना है। वह सेटिंग क्या है ध्यान से देखिए, यहीं पर आपको यह सेटिंग है जिसका नाम है वाई फैन, वाई फाई स्कैन थ्रोटलिंग, रिड्यूस बैटरी ड्रेन एंड इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। यह बटन आपके फ़ोन में बंद होगा, आपको इस बटन को सिर्फ ऑन कर देना है। इतना ऑन करते ही जो आपका इंटरनेट है ना, अब यहाँ से इम्प्रूव हो जाएगा, और जो आपकी बैटरी ड्रेन होती थी ना, वह बैटरी भी ड्रेन नहीं होगी। इतना करने के बाद में आप डायरेक्टली यहाँ से कट कर दीजिए, और आप देखिएगा जैसे कट करेंगे आपके फ़ोन का देखिए नेटवर्क फुल हो जाएगा। अभी यह खुटी कम चल रहा था लेकिन यह फुल हो गया। मेरे फ़ोन में तो पहले से ही फुल था, लेकिन अगर आपके फ़ोन में अगर एकदम ही खुटी एक दो खुटी पकड़ रहा है, इतनी सारी सेटिंग को कर दीजिएगा ना, तो आपका इंटरनेट फुल हो जाएगा। इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बता रहे थे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।